देखिए, कल कहाँ तक टॉपिक हुआ था हम लोगों का, मतलब सैटरडे को टॉपिक कहाँ तक, लाइट। तो लाइट तक, मतलब लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, ये कंप्लीट किए थे। यानी लाइट, द लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी को कैरी करता है। एंड हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट में एनर्जी क्या होते हैं, कम होते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेड लाइट में होता है या फिर ब्लू लाइट में होता है। और फोटोसिंथेसिस का जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसीलिए उस लेंथ को हम लोग कहते हैं पार, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR। ओके, यहां तक की बातें कंप्लीट हुई। अब देखो, इसमें कुछ ग्राफ हैं, वो ग्राफ अभी हम लोग जब क्लोरोप्लास्ट यानी पिगमेंट को पढ़ लेंगे तब लाइट एंड पिगमेंट का रिलेशन हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या तो ब्लू लाइट का या फिर रेड लाइट का। और इसीलिए सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या तो ब्लू लाइट में या फिर रेड लाइट में। तो ये जो पिगमेंट हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज हम लोग थर्ड रोल जो है देखेंगे, पहले क्या देखें हम लोग, CO2 का रोल देखें, उसके बाद वाटर का, फिर लाइट का, उसके बाद क्या है, पिगमेंट का रोल देखेंगे। पिगमेंट यानी क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम लोग पिगमेंट को करेंगे कि पिगमेंट क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल चलेंगे। मैंने कहा था कि पिगमेंट के लिए आपको एक बार जो है थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ के आने के लिए, क्लोरोप्लास्ट का रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए, किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं किए तो भी कुछ कुछ करा दूंगा। फिर मन में सोचोगे सर जब आपको कराना ही था तो आप हमसे क्यों करवाए, है ना, कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर पिगमेंट है क्या, पिगमेंट कौन से कंपाउंड को हम लोग पिगमेंट कहते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है दैट इज पिगमेंट। एनी कंपाउंड व्हिच एब्जॉर्ब द लाइट दैट इज कॉल्ड पिगमेंट। ऐसे किसी भी केमिकल को, ऐसे किसी भी कंपाउंड को, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम लोग पिगमेंट कहते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है दैट इज पिगमेंट। तो प्लांट में हम लोग वैसे सब्सटेंस को, वैसे कंपाउंड को या वैसे केमिकल को हम लोग पिगमेंट कहते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब आइए, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एनी कंपाउंड विच एब्जॉर्ब लाइट
which absorb light called pigment. तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, उसको पिगमेंट कहेंगे, एनी कंपाउंड विच एब्जॉर्ब लाइट कॉल्ड पिगमेंट। अब आइए देखिए, पिगमेंट जो प्लांट के केस में अगर लेके चलते हैं तो पिगमेंट जनरली जो प्लांट में मेन रूप से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो जनरली प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। इन प्लांट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। किसमें मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो जो फोटोसिंथेटिक प्लांट यानी क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट है, जगह है जहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप लिख सकते हैं यानी प्लांट के लीफ का भी वो सारा पार्ट नहीं, प्लांट के लीफ का मेन रूप से यानी प्लांट के लीफ में बहुत सारे सेल होंगे और उस सेल में भी बहुत सारी चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज होंगे। तो उस सेल में भी कौन सा पार्टिकुलर साइट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन फोटो ऑटो ट्रॉप्स। फोटो ऑटो ट्रॉप्स का मतलब सिंपली प्लांट भी लिख सकते हैं, फोटो ऑटो ट्रॉप्स। ऐसे तो पूरा यूकैरियोटिक फोटो ऑटो ट्रॉप्स लिखना चाहिए, ब्रैकेट में मैं प्लांट कर देता हूं। तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस तो बैक्टीरिया में भी होती है, समझे, लेकिन उसके पास हमारे प्लांट के सेल के जैसा क्लोरोप्लास्ट वेल डेवलप नहीं है, तो वो अलग चीज है। तो फोटो, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वह फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है और किसमें? तो यूकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉप। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल और फोटो ऑटोट्रॉप्स है उसमें, तो जैसे यूकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन है भाई? तो कुछ क्या है, प्लांट तो सभी हो गए और प्लांट के साथ साथ और कौन है? फोटोसिंथेटिक, अरे कुछ प्रोटिस्टा भी तो हैं, वो भी तो यूकैरियोटिक हैं, उनके सेल में भी क्या मिल जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेटिक है। इसलिए यूकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉप्स और ब्रैकेट में मेन रूप से प्लांट। अब अगर एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि क्लोरोप्लास्ट मेन रूप से किस चीज, मतलब क्या क्या है उसमें, तो यहाँ पर जो मेजर पार्ट हम लोग बात करेंगे अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो देखिए कहता है कि एक मेजोफिल के सेल में, इन ए मेजोफिल सेल हैज अबाउट 300 क्लोरोप्लास्ट। लीफ के एक मेजोफिल के सेल में लगभग 300 क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसी क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर यहां बनाए, जो कि आप सेल के टॉपिक में बहुत अच्छे से हुआ होगा, आपको रिवीजन के लिए, रिकॉल के लिए यहां पे मैं बना देता हूं। सभी लोग साथ में बनाएंगे, देखिए अब आप लोग इस तरह से इसके अंदर
चलिए ये बताइए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है इनर मेम्ब्रेन, ये सर्कुलर डीएनए, ये स्टार्च, और इधर 70S राइबोसोम और आरएनए। अब इसकी अगर बात करें यहां पर, या एक सिंगल जो है उसको क्या कहेंगे, थैलाकोइड, पूरे को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रैनम, इसको क्या कहेंगे, दो ग्रैनम को जोड़ने वाले को एस्ट्रोमा, और दूसरा नाम एस्ट्रोमा लैमेला, और दूसरा नाम इसी को एस्ट्रोमल एस्ट्रोमा थैलाकॉइड, है ना। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होते हैं, और दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो उसी तरह इसमें ये स्पेस है, पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर बना सभी का, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर के सारे चीज को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा, और ये इसी पार्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सभी का बना हो गया सभी का। चलिए अब आइए इसमें कुछ बातें नोट डाउन करते हैं जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलिए लिखिए यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ऐसे क्लोरोप्लास्ट एक मात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसे,
माइटोकॉन्ड्रिया में दो ही मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर, और तीसरा फोल्डेड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसे आप थैलाकॉइड कहते हैं, वो भी तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना। तो मेम्ब्रेन का ही फोल्डेड स्ट्रक्चर है और वही सारे मेम्ब्रेनस फोल्डेड स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो उसे आप क्या कह देते हैं, ग्रैनम। लेकिन तीसरा मेम्ब्रेनस तो ये भी है ना भाई। तो एकमात्र क्लोरोप्लास्ट ऐसा है कि जो ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बस ऐसे लिखाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और ब्रैकेट में आप ये चीज लिख लीजिए, एक्चुअली दिस इज ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक्चुअली दिस इज ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और ब्रैकेट में ही लिखिए ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप देके या कॉमा दीजिए, तब लिखिए द थर्ड मेम्ब्रेन इज थैलाकॉइड। याद रहेगा आपको, द थर्ड मेम्ब्रेन इज थैलाकॉइड। बाकी किसी में मिला था आपको ऐसा? कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स में किसी में ऐसा नहीं मिलेगा। अब ये ब्रैकेट बंद कीजिए। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो कौन कौन से मेम्ब्रेन है? द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसका थिकनेस जो है वो 10 से 20 नैनोमीटर तक का होता है। द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन थिकनेस लगभग 9 से 10 नैनोमीटर का, और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो होता है वो 10 से 20 नैनोमीटर का होता है। उतना आपको सब में सेल में हो चुका होगा, ठीक है, ये बस समझा दे रहा हूं। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, तब लिखेंगे इनसाइड इनर मेम्ब्रेन द कंपोनेंट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनसाइड इनर मेम्ब्रेन द कंपोनेंट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनसाइड इनर मेम्ब्रेन द कंपोनेंट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम प्रोटीन आरएनए डीएनए। और डीएनए आप जनरली पढ़े होंगे सर्कुलर डीएनए, लेकिन इसमें लीनियर भी मिलता है, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए लीनियर एंड सर्कुलर, नॉट ओनली सर्कुलर, कभी कभी लीनियर भी मिलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमें पता है आपको पता होगा सिर्फ सर्कुलर का, तो मेंशन कर दीजिए सर्कुलर एंड लीनियर। डीएनए डीएनए के ब्रैकेट में लीनियर एंड सर्कुलर, ब्रैकेट बंद। आरएनए एंड फोल्डेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तब लिखेंगे, फोर्स कर दीजिए, तब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फोल्डेड मेम्ब्रेनस डिस्क इज कॉल्ड थैलाकॉइड। And aggregated thylakoid, इसी को क्या कहेंगे? A stack of thylakoid is called ग्रैनम। क्या कहेंगे उसको? An stack of thylakoid is called ग्रैनम। तो उसी को हम लोग ग्रैनम कहते हैं, इज कॉल्ड ग्रैनम। तब लिखेंगे द टू ग्रैनम्स आर ज्वाइंट बाई
टू ग्रैनम्स आर ज्वाइंट बाई ज्वाइंट बाई ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का है सिर्फ। अब ये फाइव टाइप्स के क्लोरोफिल हो गए। अब लिखेंगे There are four complex present on there are four complex present on present on thylakoid membrane जैसे फोटो सिस्टम वन, एक कॉम्प्लेक्स हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम टू, थर्ड कॉम्प्लेक्स हुआ फोटो सिस्टम थर्ड, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स हुआ बेटा फोटो सिस्टम साइटो क्रोम B6F, इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइटोक्रोम B6F ऐसे। और पांचवा जो है वह है ATP सिंथेटेज। ये फोर हो गए एटीपी सिंथेटेज। ये चार कॉम्प्लेक्स हैं और चारों कॉम्प्लेक्स कहां मिलते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है भाई, कोई चीज ग्रुप में होना, कोई एक सिंगल चीज नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज द मार्कर कॉम्प्लेक्स। क्यों, कुछ ब्लू है तो ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है, लेकिन सभी क्या है, मार्कर ही है। दिस इज द ग्रुप ऑफ मार्कर या कॉम्प्लेक्स मार्कर। तो उसी तरह वहां पर जो लिखे हैं फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, साइटोक्रोम B6F और ATPase, ओके। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, यानी यह एक स्ट्रक्चर है, यानी यह मेम्ब्रेन के प्रोटीन से एसोसिएटेड पार्ट है, यानी जो पिगमेंट, जो थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट हम लोग अभी देखें कि थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मेन रूप से दो पिगमेंट, यानी कि एक है कैरोटेनॉइड जो कि लिपिड से एसोसिएटेड है और दूसरा है आपका क्लोरोफिल जो लिपिड और प्रोटीन से एसोसिएटेड है। मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो, सेल के अंदर या सेल पर, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कहते हैं। ऑल मेम्ब्रेन्स आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, अगर सिंपल वे में कहें तो लिपिड और प्रोटीन, ये मेन कंपोनेंट है। चाहे कोई भी मेम्ब्रेन ले लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का मेम्ब्रेन, कहीं पर का भी कोई भी मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तीसरा मेम्ब्रेन पार्ट है, दैट इज थायलाकॉइड का मेम्ब्रेन, वह लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है। बस इनके परसेंटेज वैरी कर सकते हैं, कहीं पर लिपिड 50% होगा और ये 50%, तो कहीं पर ये 40%, ये 60%, तो कहीं पर ये 60% और ये 40%, और नहीं तो कल जाकर के या आज जाकर के दो चीज निकाल के देखना, आरबीसी के मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का, और दूसरा माइलिनेटेड नर्व सेल का लिपिड और प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट मिल जाएगा आपको क्या है। तो ये वेरिएशन है, माइलिनेटेड वाले में सीधे उल्टा 80% तक लिपिड और 20% प्रोटीन,
जबकि आरबीसी वाले में 60% या 58% प्रोटीन और बाकी लगभग 48% तक लिपिड। तो ये वेरिएशन मिल जाता है, लेकिन बनता कोई भी उसी से है। तो वही जो अभी हम थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े कि थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल और कैरेटेनॉइड पिगमेंट कहते हैं, और वही जो पिगमेंट है तो वो एसोसिएटेड होकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिर्फ एटीपी सिंथेज को छोड़ दीजिए, ये जो है साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन का कैरियर कराता है, फोटोसिस्टम 1 और 2 ये पिगमेंट के आपस में यूनिट मिल करके सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब, या सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेशन में कौन कौन आ जाता है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो दो अलग अलग यूनिट मिलकर काम कर रहा है ना, तो सिस्टम वर्ड उस लिए लगाना पड़ता है। उसी तरह जब पिगमेंट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होकर के एक बड़े काम को पूरा करते हैं तो वहां पर सिस्टम लगा दिए, तो इसलिए बोलो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, और ऐसे ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। अब बात समझ में आ गई, अब लिखेंगे, चलिए ये लिख लिया, यहां तक हो गई बात, तब लिखेंगे। और और ये जो सिस्टम होते हैं मेनली लिखेंगे द थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। देखिए ये भी लिखते हैं, पहले समझा दूं, थायलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है बेटा उसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है एप्रेस पार्ट और दूसरा अनएप्रेस पार्ट। तो एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट जो होते हैं वह ग्रैनम थायलाकॉइड में होते हैं, ग्रैनम थायलाकॉइड में, जबकि सिर्फ अनएप्रेस्ड पार्ट ये बेटा एस्ट्रोमल थायलाकॉइड में होता है। किसमें? एस्ट्रोमल थायलाकॉइड में होता है। अब एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट क्या है और इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम आपको, लिखिए। अब द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन हैज एप्रेस्ड पार्ट, द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन हैज एप्रेस्ड पार्ट कॉल्ड पार्टीशन एंड द एंड ऑफ पार्टीशन इज कॉल्ड मार्जिन एंड एंड ऑफ पार्टीशन इज कॉल्ड मार्जिन MARGINS मार्जिन्स एंड एंड ऑफ पार्टीशन इज कॉल्ड मार्जिन एंड अनएप्रेस्ड पार्ट ऑल्सो एंड अनअप्रेस्ड पार्ट ऑल्सो और तब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एस्ट्रोमल थायलाकॉइड इज अनअप्रेस्ड पार्ट एस्ट्रोमल थायलाकॉइड हैज ओनली अनअप्रेस्ड पार्ट, ये भी लिख सकते हैं।
अब इसी चीज को ब्रैकेट में बना के दे देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अगर बात सिंपल से पूछा जाए कि थैलाकॉइड कितने तरह के हैं रे भाई, बोलो जल्दी, दो, ग्रेनम और एस्ट्रोमल थैलाकॉइड, कौन कौन से, यानी जो थैलाकॉइड जुड़ करके क्या बनाता है, ग्रेनम बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रेनम थैलाकॉइड। तो लिखेंगे, ये हुआ ग्रेनम थैलाकॉइड, दिस इज ग्रेनम, ए होगा थैलाकॉइड, और दूसरा क्या होगा, एस्ट्रोमल थैलाकॉइड, यानी दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमल थैलाकॉइड। अब आइए, इस ग्रेनम थैलाकॉइड के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन कौन से, एक होता है अप्रेस्ड पार्ट और दूसरा क्या होता है, अन अप्रेस्ड पार्ट। जबकि स्ट्रोमल थैलाकॉइड में एक ही पार्ट होता है, क्या, अन अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड पार्ट और अन अप्रेस्ड पार्ट, समझ रहे हो, चलो नहीं समझ रहे हो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, है ना। अप्रेस्ड पार्ट में क्या मिलता है, फोटोसिस्टम टू, अभी लिख दो पूरा समझाऊंगा मैं, और इसमें मिलता है फोटोसिस्टम वन और अन अप्रेस्ड पार्ट यानी फोटोसिस्टम वन, पहले इतना बना डालो बस। हाँ ये फोटोसिस्टम, ओके एक मिनट, सब में वन कर दिया हूँ, अप्रेस्ड पार्ट में फोटोसिस्टम टू कर दो और बाकी जहां भी अन अप्रेस्ड पार्ट है वहां पे फोटोसिस्टम वन होगा। और यहीं पर एक चीज और लिख दो, जहां पर फोटोसिस्टम टू होता है वहां पर क्या होता है रे भाई, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अभी लिख दो एक जगह हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बस वो भी दिखा दो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। चलिए इसको ब्रैकेट में मार दीजिए, तो बोलो कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं भी तो यही चाहता हूं कि समझ में नहीं आए। हो गई यहां तक की बात बेटा, है गुड। अब देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी सामने बनाए थे हम लोग, सारी चीजें अभी तुरंत तुरंत याद है हमें, ठीक है, भूलने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा हम लोगों ने। तो थैलाकॉइड दो तरह का देखा, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर जो बनाए जो थैलाकॉइड जुड़ करके क्या बनाता है, ग्रेनम बनाता है, और दूसरा दो ग्रेनम को जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है, एस्ट्रोमल थैलाकॉइड। तो जो ग्रेनम थैलाकॉइड होते हैं बेटा उसमें दो रीजन होता है, एक होता है अप्रेस्ड पार्ट और दूसरा होता है अन अप्रेस्ड पार्ट। अब ये अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड पार्ट क्या है, 1 kg का प्लास्टिक का डब्बा है और उसमें 1.5 kg चीनी को डालना है, कैसे डालोगे, हाँ क्या दिमाग लगाई देसाई बोलिए, हाँ दबा के, यानी बार बार उसको क्या करते हैं, पहले चीनी को डालते हैं, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, डब्बे को पटकते हैं, तो क्या होते हैं, चीनी के जो ग्रेनुल्स है वो एक दूसरे के साथ यानी कम स्पेस लेते हैं, ज्यादा नीचे बैठते हैं, तो क्या किया आपने, उसको प्रेस्ड किया कि अनप्रेस्ड किया, प्रेस किया ना उसको, दबाया, दैट मींस कि प्रेस किया, तो दैट इज द, जब पिगमेंट के मॉलिक्यूल जिस रीजन में ज्यादा हो जाते हैं दैट इज द अप्रेस्ड पार्ट, समझ में आई बात, और जहां पे पिगमेंट के मॉलिक्यूल थोड़ा कम है तो वो क्या हो गया, अनप्रेस्ड पार्ट। तो जो ग्रेनम थैलाकॉइड होता है बेटा उसमें दोनों रीजन मिलते हैं, और जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड होता है उसमें एक ही रीजन मिलता है, दैट इज अनप्रेस्ड पार्ट। अब मुझे बताइए, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना है, एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा लगेगा ना रे भाई,
तो ज्यादा एनर्जी कब मिलेगा? अभी हमने पिगमेंट का डेफिनेशन क्या दिया? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एनी कंपाउंड या सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट, तो जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जहां पर पिगमेंट ज्यादा है, जिसे दबा दबा के पिगमेंट रखा गया है, जैसे चीनी को दबा दबा के रखे हैं, तो वो डब्बे से ज्यादा मीठा शरबत बनेगा कि जिसमें कम चीनी है उससे ज्यादा मीठा बनेगा? ज्यादा चीनी है उससे मीठा ज्यादा बनेगा, शरबत का मीठापन ज्यादा आएगा। उसी तरह यहां पर जो एप्रेस पार्ट है, इसका मतलब है कि उसमें पिगमेंट ज्यादा है, जिसमें पिगमेंट ज्यादा है मतलब लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ज्यादा होगी, वही क्या कर पाएगा? अब समझ में आई बात? ये सारा बात अभी आगे आने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट, ये पूरा अभी आगे आने वाला मेकानिज्म, लेकिन मेकानिज्म की मैक्सिमम बातें यहां पर समझ लिए तो वहां पे सब इजी लगेगा, और सब अधूरा छोड़े तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, क्या हो रहा है, क्या खेल तमाशा है। अरे खेल तमाशा नहीं है, प्लांट यही करता है। अब समझ गए? तो ज्यादा लाइट, ज्यादा पिगमेंट, ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन, ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल स्पार्क में टूटेंगे, और जहां पे अनअप्रेस्ड पार्ट है तो इसीलिए जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं उस सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं? पीएस टू। और जहां पे नहीं टूटता है दैट इज द पीएस वन। आप समझ गए? इतना तक के बात में कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए, आया आया मैं।
ए का जो फार्मूला है ना उसको 872 कर दीजिए और बी का 70 कर दीजिए, वो उल्टा हुआ है। डिफरेंस वही रहेगा, एक H2O का ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए है ना, उसमें कितना लिखे हैं, 70 लिखे हैं ना, उसको 72, और बी में क्या किए हैं, 72 किए हैं ना, तो उसको 70 कर दीजिए बस। अब बाकी ठीक है, O6N4Mg, O5N4Mg, O6 है, सही है, बस खाली ये हुआ है चेंज, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब एक लाइन, एक सेंटेंस, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक की बातें समझने के बाद, ब्रैकेट में करने के बाद, तब लिखेंगे द कॉम्पोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम इज फोटो सिस्टम को कॉम्प्लेक्स में क्यों रखे थे, क्योंकि हम बताए थे आपको कि इसमें कुछ अलग अलग कंपोनेंट है, तो उसी चीज को लिख लीजिए, द कॉम्पोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम इज डैश देखे, तो एक होता है इसमें रिएक्शन सेंटर और एनसीईआरटी की बुक है, कोई भी एक बुक दीजिए ना, उसमें एक डायग्राम होगा, थमा देना बेटा, रिएक्शन सेंटर, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एंड एटीपेज, या इसी को कहते हैं एटीपी सिंथेटेज कहें या एटीपेज कहें या सी एफ नॉट पार्टिकल पढ़ा होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया में, और वही इसको कहते हैं कपलिंग फैक्टर, तो जो क्लोरोप्लास्ट के लिए है, तो सी ये सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, लिखना है तो लिख सकते हैं आप सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, किसके जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा सिमिलर होता है ये। और ये आपको लिखा चुके हैं कि PS1 अप्रेस्ड पार्ट में मेन रूप से कौन है, PS2 नॉन अप्रेस्ड पार्ट में PS1 है, ठीक है ना, तो अप्रेस्ड पार्ट में PS2 और नॉन अप्रेस्ड पार्ट में PS1 है मेन रूप से, ठीक है। तो ये वहां तक चल गई बात, अब आइए एक टर्म आता है क्वांटा जोन, चाहे उसके पहले एक ये भी टर्म लिख दीजिए। देखिए दो बातें हैं बेटा, इस तरह से लिखेंगे, अभी समझा रहा था मैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो अभी लिखना नहीं है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में से अगर एक वर्ड हटा दे, हम फोटो हटा दे, तो मेन टर्म क्या बचेगा, फॉस्फोराइलेशन।
फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉस्फेट का जुड़ करके क्या होना, एडीपी से एटीपी बनना, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मेन रूप से बेटा दो तरह के हैं, दो तरह के फॉस्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, सेल का चैप्टर बहुत इजी लगता है, लेकिन जब उसके बढ़िया से अगर उसके बाकी सारी चीजों को अदर चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तब लगेगा कि हाँ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बार बार माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये सब आ रहा है ना, लेकिन उस समय बस सिंपल सेल ऑर्गेनाइज की तरफ पढ़ के निकल गए। अब देखिए तो ऑक्सीडेटिव नाम क्यों पड़ा, बीटा ऑक्सीडेशन होता है यानी ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, इसलिए उसको ऑक्सीडेटिव। और ये कहां होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि फोटो का रिलेशन किससे है, लाइट, और लाइट का एब्जॉर्प्शन कहां, क्लोरोप्लास्ट में। तो लाइट के प्रेजेंस से जो एटीपी बनता है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये कहां है तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिख दीजिए इसको ऐसे, दिखा दीजिए एक जगह, ये क्लोरोप्लास्ट में। और यही फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, अभी आगे पढ़ना है। कहीं पे दिखा दीजिए, फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में। ये हो गया बेटा, नोट डाउन हुआ। अब देखिए एक टर्म आता है क्वांटासोम, लिखेंगे नहीं, घबराइए नहीं, आपका समय नहीं लूंगा मैं। कुछ लोगों के चेहरे एकदम उदास निराश हो रहे थे, ब्रेक भी रहता है ना आप लोग का, भी ब्रेक भी है 3 बजे के बाद, 5 मिनट का भी नहीं। अच्छा क्वांटासोम एक टर्म आता है, 200 से 250 तक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड हो करके एक जगह होते हैं ग्रुप में, उसी को कहते हैं क्वांटाजोम। क्वांटाजोम इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट, यही क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है। और इसी क्वांटाजोम में दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक जो रिएक्शन सेंटर हम यहां पे अभी लिखे थे, और लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। अब वो क्या होता है,
यानी फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, ये पूरा पार्ट अभी आपको कल कराएंगे। समझ में आई बात? चलिए देख के आइएगा, खोज के आइएगा क्वांटस होम।